गुरु नानक देव अस्पताल में डॉक्टरों का रोष प्रदर्शन, ओपीडी को किया बंद, छठे पे कमीशन को रद्द करने को लेकर किया प्रदर्शन। पंजाब में लगातार सरकारी मुलाजिमों द्वारा छठे पे कमीशन को रद्द करवाने के लिए रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज अमृतसर स्थित गुरु नानक देव अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा ओपीडी को 3 घंटे के लिए बंद कर रोष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वह इसी तरह सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत सिंह है जी, मैं पंजाब स्टेट मेडिकल डेंटल टीचर एसोसिएशन अमृतसर इकाई का जनरल सैकटरी हूँ। जो सा प्रोटेस्ट है जी, 8 to 11 का 3 घंटे का बिल्कुल काम ठप किया हो, इस करके ठप किया हो क्योंकि जो सा डॉक्टर का हक आ, जो बनता हक आ, NPA जो सा खोया जा रहा, असी प्राप्ति लिए इतने बैठे हैं, तो असी साढ़े हक लिए बैठे हैं, तो अं अगे लगातार साढ़ा जो प्रोग्राम आ 8 to 11 रोज़ ही 3 घंटे असी हड़ताल रखा। ठीक है, जे साड़ी सरकार गल नहीं सुनती तो असी होर भी जी एजुटेशन होर भी तेज करा। मैं डॉक्टर मृदु, मैं PSMDTA पंजाब स्टेट मेडिकल एंड डेंटल टीचर एसोसीएशन अमृतसर ब्रांच के अध्यक्ष हाँ, और असी अज का प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सानू सरकार ने कोरोना वारियर तो कहता, पर जड़े साडे इनाम देने सी उहदे बदले साडा हक ही खोल लिते। जड़ा साडा NPA सी वह 25% सी पहला, उन्होंने 20% करके और उसनु बेसिक सैलरी तो अलग कर दिता, जिहदे नाल सानू ओवरऑल इस चीज़ का नुकसान इमीजिएट भी है तो साडा लोंग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान है। बिल्कुल जी, जिनी देर तक सरकार साड़ी गल नहीं सुनती, उन्होंने एक कमेटी बिठाई सी, कमेटी की मीटिंग ही नहीं फिक्स हो रही हाले तक, जिनी देर तक कमेटी की मीटिंग नहीं फिक्स होएगी सानू की पता कदों तक सानू अपनिया हकों के लिए लड़ना पेगा। असी इस दरिया से डॉक्टर सारे दरिया से बहन के काबिल नहीं होंगे, पर उन्होंने मजबूर किया गया इतने बहन ले, असी रोज़ इतने 8 to 11 अपना धरना रखांगे।